मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता एक मामला सामने आया है। पुष्पराजगढ़ के आदिवासी बालक छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी और रसोईया बने हुए हैं। बच्चे हाथ में कॉपी कलम की जगह हाथ में झाड़ू पकड़े हुए हैं। वहीं बच्चे रसोई में खुद ही रोटी सेकते हैं और छात्रावास अधीक्षक मनमानी करने से गुरेज नहीं करते हैं। शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले आदिवासी छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है और छात्रावास के खर्च का वहन सरकार की ओर से किया जाता है, जिसके लिए सरकार तमाम तरह की फंड मुहैया करवाती है। छात्रावास अधीक्षक छात्रों के हक मार कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। बच्चे चपरासी बन कमरों की सफाई कर रहे हैं, वहीं गैस सिलेंडर पर खाना बनाने के बजाय चूल्हे के धुएं में मासूम बच्चे झोंके जा रहे हैं। रसोईया की पद स्थापना उक्त छात्रावास में की गई है। बावजूद इसके कोयलारी ग्राम में संचालित आदिवासी बालक छात्रावास की हालत दयनीय है। इस गांव के प्राथमिक शाला से लेकर के पढ़ा करके और प्रदेश देश का जिन्होंने राजनीति किया और कोयलारी नहीं पूरे पुष्पराजगढ़ के जहाँ जहाँ भी छात्रावास आश्रम संचालित हैं, वर्तमान में जो स्थितियाँ बना करके रखे हैं कि बद से बदतर स्थिति है। चारों तरफ इस तरीके से जानवरों की तरह बच्चे वहाँ ठूस दिए गए हैं, वहाँ न कोई खाना बनाने वाला है न देखने वाला है। ऐसी स्थिति पाई गई है कि परीक्षा में बच्चों की संख्या के बीच में अंतर दिखाई पड़ रहा है। विकास के शिक्षा अधिकारियों को भेज के इसकी जाँच करा लेते हैं।